हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ मजेदार और फायदेमंद बातें। जी हाँ, इसके लिए आपको शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहना होगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप कर दोगे तो क्या पता कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप स्किप कर दो। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। दिस इज योर फ्रेंड देबुलीना और मैं लेकर आई हूँ कुछ सवालों के जवाब। जैसे कि हम जानते हैं कि हम एक छोटा सा लेकिन प्यारा सा शहर अगरतला से बिलोंग करते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर में से त्रिपुरा स्टेट का कैपिटल माना जाता है। और भागती दौड़ती जिंदगी के साथ दिमाग में वही आता है कि कहीं हम पीछे तो नहीं रह गए हैं। लाइट के स्पीड की तरह तेज भागती हुई इंटरनेट, और उसके लिए क्या सिर्फ मोबाइल काफी है? नहीं, कंप्यूटर, पीसी, इन सारी चीजों की जरूरत हमें पड़ती है। और उसके बाद जो सवाल आता है कि हम रहते हैं अगरतला में, छोटा सा शहर है, अगर कुछ मिल भी गया अच्छा, महंगा तो बहुत पड़ेगा। क्या अपडेटेड वर्जन मिल जाएंगे? तो चलिए चलते एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके सारे सवालों के जवाब है। सो लेट्स गो। तो अभी हम पहुंच चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन, दैट इज आरएमएस चौमनी संतोष मार्केट के सामने। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं, और वो मिलेंगे ब्राइट कंप्यूटर के शॉप में। तो चलिए चलते हैं और यहाँ के ओनर के साथ एक बार बात कर लेते हैं। हेलो भैया, कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ। और कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? बढ़िया। तो आज मैं आपके शॉप पे अकेले नहीं आई हूँ, हमारे साथ हैं हमारे व्यूअर्स। एक बार हाय कर दीजिए हमारे व्यूअर्स को। हाय। तो आप अभी अपना और अपने शॉप का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दे दीजिए। हाय, मैं श्यामल देवनाथ, ओनर ऑफ ब्राइट कंप्यूटर। पिछले 15 साल से मैं कंप्यूटर का बिजनेस कर रहा हूँ, अगरतला संतोष मार्केट 37A के रूट। अच्छा, तो यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि आपने इस ब्राइट कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर लैपटॉप से रिलेटेड बिजनेस कब स्टार्ट किया है, और आपको ऐसा क्या सोचा कि आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया? एक्चुअली मैं 15 साल से कंप्यूटर का बिजनेस कर रहा हूँ। अभी जमाना है कंप्यूटर का, सबके घर में कंप्यूटर पहुँचना चाहिए, इसलिए मैं कंप्यूटर का बिजनेस। जैसे कि हमारे व्यूअर्स को एक कस्टमर के हिसाब से एक सवाल हमेशा मन में आता है कि हम एक छोटा सा शहर अगरतला से बिलोंग करते हैं, तो हर एक शहर में आसपास में जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटी हो जाए, कोई भी अपग्रेडेड वर्जन, हर जगह पे अपग्रेडेड वर्जन मिल जाता है, तो आपके यहाँ पे क्या ऐसा अपग्रेडेड वर्जन मिल जाएगा अगर किसी कस्टमर को चाहिए? एक्चुअली ब्राइट कंप्यूटर के पास सब कुछ अवेलेबल है। अभी देखिए कस्टमर क्या करते हैं, कोई भी हाई एंड पीसी खरीदने के लिए कस्टमर क्या करते हैं, बाहर कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, वहाँ से खरीद के लेके आते हैं। अभी क्या है, अभी अगरतला में आपको हाई एंड पीसी का सब प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। मेरे पास सब कुछ रेडी स्टॉक है, यहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपने कहा था कि कुछ लोग बाहर से खरीदना पसंद करते हैं, तो जब बाहर से खरीदते हैं तो ऑब्वियसली उन पे वहाँ मतलब उनका ट्रेवलिंग कॉस्ट तो इंक्लूड होगा ही। तो आप कह रहे हो वही प्रोडक्ट आप यहाँ पे सेम प्राइस में उनको दिला सकते हो, तो इस बात से एक और सवाल आता है दिमाग में, लोग ज्यादा ऑनलाइन खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये चलता है कि ऑनलाइन में कभी कभार प्राइस थोड़ा सा कम मिलता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन का क्या फंड है, अगर आप एक बार ये हमारे व्यूअर्स को बता दें? ऐसा नहीं है, एक्चुअली क्या है, कस्टमर जो है बाहर से जो सामान लेते हैं उससे भी कम प्राइस में मैं कोशिश कर रहा हूँ देने को, और कुछ कुछ प्रोडक्ट अभी है जो बाहर से भी डाउन है, अगरतला में डाउन है ब्राइट कंप्यूटर के पास। और आपका जो बोलना है ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में, अभी क्या है देखिए, कस्टमर क्या करता है, कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन से जब खरीदता है तो वो देख नहीं पाता वो प्रोडक्ट सही है क्या, उसमें प्रॉब्लम है क्या, वो नहीं देख पाता। लेकिन अभी क्या है, अभी ब्राइट कंप्यूटर के पास सेम प्रोडक्ट अवेलेबल है, वो खुद देख पाएगा वो प्रोडक्ट उसमें कोई प्रॉब्लम है, वो खुद देख के वो प्रोडक्ट लेके जा सकता है। इसलिए मैं सब कस्टमर को बोलता हूँ ऑनलाइन से बेहतर है ऑफलाइन, क्योंकि कभी कभार डैमेज प्रोडक्ट भी मिल जाता होगा। डैमेज प्रोडक्ट भी मिल जाता है, वारंटी का भी इशू रहता है, सर्विस प्रोवाइड नहीं करता लोकल जो सर्विस सेंटर है, वह ऑनलाइन का प्रोडक्ट इशू नहीं करता। यहाँ से ब्राइट कंप्यूटर से लेने से क्या होगा, उनको कोई प्रॉब्लम हुआ तो तुरंत तुरंत उसको प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे कस्टमर्स को अपग्रेडेड वर्जन तो सब चीजों का चाहिए ही, और अगर वो असेंबल भी पीसी लेना चाहे तो उसमें क्या आप अपडेटेड ग्राफिक्स कार्ड, प्रोसेसर, रैम, मदरबोर्ड वो दिला सकते हो हमारे कस्टमर्स को? अभी ब्राइट कंप्यूटर के पास ए से जेड तक जितने भी प्रोडक्ट, हाई एंड जितने भी प्रोडक्ट है सब कुछ अवेलेबल है, और कुछ कुछ प्रोसेसर जैसे ग्राफिक्स कार्ड हो गया अवेलेबल नहीं रहता। वो कस्टमर क्या करते हैं, मुझे ऑर्डर देते हैं, मैं उससे एडवांस बुकिंग लेता हूँ, उसके बाद मैं ऑर्डर देता हूँ। मतलब ये आप असेंबल के बारे में बात कर रहे हैं? जितने भी हाई एंड पीसी असेंबल होता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे पास
रेडी स्टॉक ही रहता है। अभी तक हम थे ब्राइट कंप्यूटर के मेन शॉप पर और अभी हम आ चुके हैं संतोष मार्केट के अंदर जहाँ पे उनका खुद का सर्विस पॉइंट है जहाँ पर सारे कंप्यूटर्स असेंबल्ड और सर्विस होते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो ये आपका सर्विस पॉइंट है जहाँ पर सारे कंप्यूटर्स असेंबल्ड और सर्विस होते हैं। हाँ, यहाँ पर मेरा मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीसी यहाँ पर असेंबल होता है। तो ए है मिस्टर अभिजीत, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीसी वही असेंबल करता है। अभी एक असेंबल पीसी मैं बना रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पर एक अपडेटेड गेमिंग कैबिनेट जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कस्टमर चूज करते हैं अभी ब्राइट कंप्यूटर में अवेलेबल है। दूसरा जो प्रोसेसर है अभी राइजन 7 का 58000X प्रोसेसर है। और एक देखिए ये जो ग्राफिक्स कार्ड इंडिया में लॉन्च हुआ है वो करीबन 10-15 दिन हुआ अभी ब्राइट कंप्यूटर के पास अवेलेबल है। वाओ, मतलब 15 दिन हुए हैं बस इसको लॉन्च हुए और ये त्रिपुरा में अवेलेबल है। जो एक मिथ था कि लेटेस्ट वर्जन आने में बहुत टाइम लगता है, तो ये मिथ भी खत्म हो चुका है। तो चलिए चलते और भी कुछ जानते हैं। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ और एक मदरबोर्ड जो X570 का गेमिंग मदरबोर्ड है MSI ब्रांड का। और एक देखिए 1000 वाट का एक SMPS और लिक्विड कूलर जैसे NGST का लिक्विड कूलर और एक WD का SSD और एक कोर्सियर का 8GB रैम। इसे असेंबल करने के लिए तो ब्रांड्स होते हैं, तो आपके यहाँ पर क्या क्या ब्रांड्स अवेलेबल हैं जो आप असेंबल करके दे सकते हैं? वैसे तो सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास अवेलेबल है। हाई एंड जितना भी प्रोडक्ट चाहिए कस्टमर को सब कुछ मेरे पास रेडी स्टॉक रहता है। फिर भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ ASUS का हो गया, GIGABYTE का हो गया, MSI हो गया, NTSports हो गया, NGST हो गया, सब कुछ अब मेरे पास अभी रेडी स्टॉक है। हर जगह पे आजकल गेमर्स बहुत दिखने को मिलते हैं और EA Sports तो आजकल गेमर्स को आगे लेकर जा रहे हैं। हार्डकोर एक गेमर के लिए मतलब क्या आप कोई प्रो गेमिंग पीसी या लैपटॉप दिला सकते हो? हाँ, मैंने बहुत सारे गेमर्स के लिए हाईली असेंबल पीसी बिल्ड करके दिया है। अभी मैं फिर से और कोशिश कर रहा हूँ और भी गेमर्स का जो रिक्वायरमेंट्स है वो फिलअप करने के लिए मेरे पास अभी अवेलेबल है। वो सिर्फ पीसी में है या फिर लैपटॉप में भी ऐसा कोई ब्रांड है जो आप कस्टमर को दिला सकते हो? अभी जो एडिटिंग करते हैं कुछ लोग एडिटर्स हैं, कुछ लोग गेमर्स हैं, उनके लिए मेरे पास सब लैपटॉप अवेलेबल है। जैसे गेमर्स के लिए ASUS का गेमिंग लैपटॉप हो गया, MSI का गेमिंग लैपटॉप हो गया, वो मेरे पास रेडी स्टॉक रहता है। अवेलेबल नहीं होने से ऑर्डर देने से मैं दिला सकता हूँ। ये तो सारे महंगे प्रोडक्ट्स हो गए, लेकिन हमारे कस्टमर के लिए आपके यहाँ पर लो प्राइस में क्या क्या अवेलेबल है? लो प्राइस का जैसे हाई प्राइस का जैसे जैसे है वैसे वैसे लो प्राइस का भी मेरे पास अवेलेबल है। अभी जो जमाना है, अभी जमाने में छोटे बच्चे या बड़े सबको कंप्यूटर जरूरत पड़ता है फ्यूचर के लिए, तो ठीक है। सो मैं 14,990 में कंप्यूटर में दे रहा हूँ, 1 साल का वारंटी रहेगा और उसके साथ एक HP का एक गेमिंग हेडफोन भी मैं फ्री में दे रहा हूँ। वाह, 14,990 रुपए में आपके घर में हो सकता है कंप्यूटर और साथ ही साथ एक गेमिंग हेडफोन फ्री, तो देर किस बात की यार, आइए और प्रोडक्ट उठा के लेके जाइए। आपको तो हमने इंट्रोड्यूस करा दिया है ब्राइट कंप्यूटर के शॉप के साथ और स्क्रीन पे दिए हुए लिंक पे जाइए और इनके यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको मिलता रहेगा वीकली अपडेट जहाँ पर प्रोडक्ट्स और ऑफर्स के बारे में आपको अपडेटेड किया जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए ब्राइट कंप्यूटर के साथ, फिर मिलते हैं इनके यूट्यूब चैनल पर।